के देश के बारे में प्रश्न पूछेंगे, वो मेरे देश के बारे में प्रश्न पूछेगा, भारत के बारे में, जर्मनी का प्रोफेसर, मैं जर्मनी के बारे में पूछूंगा, और जिन प्रश्नों का सबसे ज्यादा जवाब हाँ में मिलेगा उसका देश महान होगा, और जिनके प्रश्नों का सबसे ज्यादा जवाब ना में मिलेगा उसका देश घटिया है, रद्दी है। ऐसे करके हम दोनों ने एक सूत्र शुरू हुई, तो पहले वो उसने कहा कि तुम पूछो, मुझसे कहा कि तुम जर्मनी के बारे में पूछो, तो मैंने चुन चुन कर ऐसे प्रश्न किए जिनका उत्तर ना में ही आए। ये तो पूछने वाले के ऊपर है, आप क्या पूछ रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि मैं जर्मनी को नीचा दिखाना चाहता था, मैं जर्मनी की वास्तविकता उसको रियलाइज कराना चाहता। तो मैंने सबसे पहला सवाल उसको पूछा कि तुम्हारे देश जर्मनी में गन्ना होता है? गन्ना, अब साधारण सा सवाल है, तो उसने कहा नहीं होता, क्योंकि मुझे मालूम है जर्मनी में गन्ना नहीं होता। और जानबूझ के मैंने ये सवाल किया कि जर्मनी में गन्ना होता है? उसने कहा नहीं होता। मैंने कहा जर्मनी में केला होता है? केला। उसने कहा नहीं होता। मैंने कहा जर्मनी में आम होता है? आम। उसने कहा नहीं होता। फिर मैंने कहा जर्मनी में संतरा होता है? संतरा। उसने कहा नहीं होता। फिर मैंने कहा जर्मनी में मौसमी होती है? मौसमी। उसने कहा नहीं होती। थोड़ी देर में वो बौखला गया, क्योंकि हर जवाब ना 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 ना, तो उसने थोड़ी देर में मुझे कहा, मिस्टर राजीव दीक्षित, मेरे जर्मनी में कोई मीठी चीज पैदा नहीं होती, अब आगे पूछो। तब मैंने उसको कहा, अच्छा दूसरा सवाल है मेरा। मैंने कहा जर्मनी में पालक होता है? पालक। क्योंकि पालक मीठा नहीं है, तो उसने कहा नहीं होता। फिर मैंने कहा जर्मनी में मेथी होती है? मेथी। उसने कहा नहीं होती। मैंने कहा जर्मनी में मूली होती है? मूली। उसने कहा नहीं होती। फिर मैंने कहा कि जर्मनी में वो होती है इलायची, या जर्मनी में काली मिर्च होती है? ये सब मीठी चीजें नहीं है। थोड़ी देर में फिर बौखला गया। फिर कहने लगा, मिस्टर राजीव दीक्षित, हरे पत्ते की कोई चीज जर्मनी में नहीं होती, अब आगे पूछो। अब मीठी चीज कोई होती नहीं, हरे पत्ते की कोई चीज होती नहीं, तो मैंने कहा अब तुम ही बताओ जर्मनी में होता क्या है। तो उसने कहा जर्मनी में एक तो होता है आलू, पोटैटो, और दूसरा होता है प्याज, ओनियन। अब आलू में प्याज मिला के खाओ या प्याज में आलू मिला के खाओ, हमारे पास दो ही चीजें होती हैं। फिर मैंने कहा कि जर्मनी के दुकानों में इतना सारा माल बिकता है, केला भी बिक रहा है, गन्ना भी बिक रहा है, आम भी बिक रहा है, संतरा भी बिक रहा है, तो ये कहां से आता है? तो उसने धीरे से कहा, ये सब भारत से आता है। तो मैंने कहा किसका देश महान? तो चुप हो गया, बोला नहीं। उसको रियलाइज तो हो गया कि भारत देश महान, लेकिन उसने मुंह से नहीं बोला। मैंने कहा इसको मुंह से ही बुलवाना है अभी थोड़ी देर में, और ये बहस हमारी कई लोगों के सामने हो रही थी। मैंने कहा अब तुम्हारा नंबर है, तुम पूछो भारत के बारे में। तो वो थोड़ा फंस गया, उसने वही सवाल पूछना शुरू किया जो मैंने पूछे थे। उसने कहा भारत में गन्ना होता है? मैंने कहा भैया उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पश्चिम भारत, मध्य भारत, पूरे भारत में गन्ना होता है, और भारत में 6,38,365 गांव है, इनमें से 4 लाख गांव में गन्ना होता है, और भारत में एक गन्ना बहुत मोटा होता है, एक गन्ना बहुत पतला होता है, एक काला गन्ना होता है, एक लाल गन्ना होता है, एक हरा गन्ना होता है, एक थोड़ा सा पीले रंग का गन्ना होता है, 2,550 जातियों का गन्ना इस देश में होता है, अब बोलो। तो कहने लगा आई कांट बिलीव इट। मैंने कहा ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं, तुम्हें भरोसा नहीं है तो ये तुम्हारी समस्या है। अगर तुमको भरोसा करना है तो तुम भारत आ जाओ और घूम लो और पता कर लो कितनी जातियों का गन्ना होता है। फिर उसने दूसरा सवाल पूछा, केला होता है भारत में? मैंने कहा केला ही केला होता है, हमारे यहाँ उत्तर भारत का अलग केला, दक्षिण भारत का अलग केला, पश्चिम भारत का अलग केला, पूर्वी भारत का अलग केला, कहीं मोटा केला, कहीं पतला केला, कहीं छोटा केला, कहीं लाल केला, कहीं हरा केला। हमने कहा केले की भारत में कम से कम 1,000 प्रजातियां हैं। कहने लगा यस। मैंने कहा यस। फिर कहने लगा आई कांट बिलीव, मुझे भरोसा नहीं हो सकता। फिर मैंने कहा तीसरा सवाल पूछो।
तो उसने पूछा आम होता है, तो उसने सवाल किया था मैंगो को कि भारत में मैंगो होता है। मैंने कहा मैंगो तो एक शब्द है, हमारे यहां तो मैंगो की जातियां 5000 से ज्यादा है। लंगड़ा है, चौसा है, दशहरी है, तोतापुरी है, कलमी है, ऐसी 5000 जातियों का आम है भारत में। और मैंने उसको कहा, जिस पर उसे भरोसा नहीं हुआ, मैंने कहा दिल्ली हमारे यहाँ की राजधानी है, वहां से 180 किलोमीटर दूर हरिद्वार है, दिल्ली हरिद्वार के बीच में 500 जातियों का आम होता है, इतनी दूरी में, खाली 180 किलोमीटर, और भारत में 3 लाख से ज्यादा गांवों में आम होता है। तो ऐसे उसने जितने भी सवाल पूछे तो उसमें वो हार गया, मैं जीत गया। फिर हमारा भारत महान, उसका जर्मनी महान नहीं। तब उसने अंत में कहा कि मैं भारत देखना चाहता हूं। मैंने कहा कभी भी आओ, देखने के लिए कोई मुश्किल नहीं, आने जाने की कोई प्रॉब्लम है तो हम भारतवासी तुम्हारा टिकट बना देंगे, तुम आ जाओ कभी भी। वो आया भारत में, 3 महीने की छुट्टी लेके आया, 3 महीने का वीजा मिला, और हमने उसको भारत में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब जगह घुमाया, और उसको एक डायरी और पेंसिल दिया था कि जो जो तुम गांव में देखो कि यहाँ क्या होता है उसको नोट करना। जब आखिरी में वो वापस जाने लगा तो मैंने कहा अब तुम्हारी डायरी में क्या नोट किया है तुमने? तब उसने कहा कि भारत के एक एक गांव में 2000 से ज्यादा वस्तुएं पैदा होती हैं, जो मैं पहले विश्वास नहीं कर सकता। और वो उसने खुद कहा कि इंग्लैंड में और पूरे यूरोप में 2 या 4 वस्तुएं पैदा होती हैं सभी गांवों में, और यहाँ एक एक गांव में 2000 वस्तुएं पैदा होती हैं। तब उसने कहा तुम्हारा देश महान। तो मैंने कहा अब बोलो तुम्हारा क्या कहना है भारत के बारे में? तो उसने कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं भारत में रहूं। तो मैंने कहा सिटीजनशिप नहीं मिलेगी तुम्हें। तो कहने लगा वो क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा भारत में जन्म लो। कहने लगा उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो मैंने कहा हिंदू हो जाओ। कहने लगा क्यों? मैंने कहा तुम्हारी क्रिश्चियनिटी में तो पुनर्जन्म होता नहीं, तुम तो ईसाई हो ना, और ईसाइयत में पुनर्जन्म होता नहीं, पुनर्जन्म तो इस्लाम में भी नहीं होता, पुनर्जन्म तो सिर्फ सनातन भारतीय जो मान्यता है इसमें होता है। फिर थोड़ा झगड़ा करने लगा वो, तो मैंने उसको शांत किया कि भैया तुम्हारे ईसा मसीह को अभी तक पुनर्जन्म नहीं हुआ, तुम्हें कैसे हो जाएगा? तुमको अगर भारत में जन्म लेना है तो हिंदू हो जाओ। तो कहने लगा ये तो बड़ा मुश्किल है। मैंने कहा बहुत आसान, हम तुम्हारे ऊपर थोड़ा गंगा जल छिड़केंगे और तुम्हारा नाम बदल देंगे, इतना सा ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करने वाले। कहने लगा इसका मैसेज तो बहुत दूर तक जाएगा। मैंने कहा वही हमें भेजना है, ये मैसेज जर्मनी तक जाए, वही तो हम चाहते हैं। कहने लगा फिर मैं सोच के बताऊंगा। मैंने कहा ठीक है। फिर जाते जाते वो यही कह के गया कि मैं जीसस से प्रार्थना करूंगा कि अगला जन्म भारत में मिले। मैंने कहा वो प्रार्थना तुम्हारी नहीं स्वीकार होगी, क्योंकि ईसाइयत में पुनर्जन्म होता ही नहीं है, पुनर्जन्म वाली एक ही दुनिया में सभ्यता है जिसको हम भारतीय सभ्यता कहते हैं, ये भारत की विशेषताओं में से एक है। मैंने कहानी के माध्यम से आपको कई चीजें बता दी कि भारत में बहुत कुछ ऐसा होता है जो दुनिया में कहीं नहीं होता। सारी दुनिया के देशों की फसलों पर नजर आप डालो तो ज्यादातर देशों में 2 या 3 फसलें मिलेंगी, एक तो गेहूं होता है, थोड़ी कपास हो जाती है, थोड़ी मक्का हो जाती है, और भारत के एक एक गांव में 200 से ज्यादा फसलें होती हैं। गेहूं, मक्का और चना तो कुछ ही है, 200 से ज्यादा फसलें, ये भारत की विशेषता है, ये भारत की अच्छाई है। और भारत की जमीन के नीचे 90 तरह के खनिज पदार्थ मिलते हैं जो दुनिया के किसी भी एक देश में एक साथ नहीं मिलते। अमेरिका में कुछ खनिज पदार्थ हैं, कनाडा में थोड़े से हैं, यूरोप में तो बहुत कम हैं। अमेरिका के पास लैटिन अमेरिका में थोड़े खनिज पदार्थ हैं, ब्राजील, मेक्सिको आदि में, अफ्रीका में थोड़े ज्यादा खनिज पदार्थ हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा खनिज पदार्थ जिन देशों में है उनकी संख्या 15 से लेकर 60 से 70 है। भारत में 90 से ज्यादा खनिज पदार्थ एक ही देश की सीमा में।
आयरन ओर हमारे यहाँ, बॉक्साइट ओर हमारे यहाँ, माइका हमारे यहाँ, क्या नहीं है हमारे पास जमीन के नीचे। और ये सब कुछ मैं ढूंढता रहता हूं कि ये सब इतना अच्छा क्यों है भारत में, जमीन के नीचे 90 खनिज पदार्थ। और अभी अभी पता चला कि हमारी जमीन के नीचे तो अब गैस भी भरपूर मात्रा में है, जिसको हम CNG कहते हैं। आंध्र प्रदेश के कावेरी बेसिन में गैस का भंडार मिला है, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। वैज्ञानिकों का ये मानना है कि इस गैस के भंडार को हम इस्तेमाल करें भारत की सभी गाड़ियों में, सभी गाड़ियों से मतलब सभी तरह की गाड़ियों में, चार पहिए वाली हो, दो पहिए वाली हो, या रेलगाड़ी के इंजन में हम ये गैस को जलाएं, सब तरह से जलाएं, तो अगले 340 साल तक ये गैस खत्म नहीं होने वाली। कितनी गैस मिली है कावेरी बेसिन, और कावेरी बेसिन जैसे 8 क्षेत्र पता चले हैं गैस के, ये तो एक है कावेरी बेसिन, ऐसे 8 क्षेत्र पता चले। अब तक हम ये अफसोस व्यक्त करते थे कि भारत में बहुत तरह के खनिज पदार्थ हैं लेकिन गैस नहीं है, भरपूर गैस मिली है। और अभी एक खुशखबरी और है कि भारत के राजस्थान वाले सूखे इलाके में भरपूर तेल मिल गया है। ये जो जैसलमेर है, ये जो बाड़मेर है, ये जो बीकानेर है, ये इलाके में आप कभी जाओ तो सूखी रेत के अलावा कुछ नहीं है, वहां तेल के भंडार मिल गए। अब तेल खुदाई का काम वहां शुरू होने वाला है और उम्मीद कर रहे हैं कि इतने तेल के भंडार हमारे पास हो जाएं कि 150 से 250 साल तक हम उनका इस्तेमाल कर पाए। तो अब तो तेल भी मिल गया, गैस भी मिल गई।